हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, उम्मीद करता हूँ देख ली होगी। कैसी लगी होगी बता दीजिएगा कमेंट करके। इस वीडियो को करेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, इसमें देखेंगे कैसे बच्चे पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने कोशिश करी थी थोड़ी इंग्लिश में बात करने की, मेरी टीम ने स्पेशल मुझे कमांड दिया था सर इंग्लिश में करके देखना, बट इन दिस वीडियो आई ट्राई टू मेक दिस इन अ हिंदी। ओके, सो विल बी लाइक कि थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश चलती रहेगी। चलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या गलतियां हैं बच्चे कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले पोर्टफोलियो पे। देखो, आपने जो मुझे लिंक भेजा है वो एक कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी का लिंक भेजा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपना लिंक भेजेंगे तो आप अपनी मेन प्रोफाइल का लिंक भेजेंगे, लाइक वेज द बैनर ब्रो, बैनर नहीं है, बैनर होना चाहिए। कैनन लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ओके, आई एम नॉट प्रॉपरली प्रोनंशिएट दिस क्या लिखा ये, बट ओके, सीम्स लाइक अ ब्रांड, साइकिल ब्रांड है ये, ओके। बट देखो, यहाँ तक आते आते मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तक ब्रांड है, साइकिल ब्रांड कहाँ पर है। नीचे आके मुझे पता लग रहा है, कलर्स अच्छे हैं, वाइब अच्छी आ रही है, बट ये प्रॉब्लम सभी लोग कर देते हैं। क्या गलती कर दे रहे हैं कि डार्क, मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे पता चल जाना है कि साइकिल ब्रांड है, एक हल्की सी फ़ोटो है, उसके अलावा मुझे पता नहीं चल रहा है। गलती क्या करते हैं कि आप अपने लोगो को ही इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाइक प्राइमरी लोगो, सेकेंडरी लोगो, और पता नहीं लोगो ही लोगो लगाए जा रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं आपका पोर्टफोलियो चेक करने के लिए नीचे तक का, तो वो लोग क्या करेंगे, बस आपकी पहली झलक देखेंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे। तो सडनली कोशिश कर दीजिए सोशल मीडिया पोस्ट और बाकी बैनर स्टार्ट हो जाएं। लोगो एक्सप्लेनेशन, कलर्स ओके, टाइपोग्राफी ठीक है। टू बी ऑनेस्ट ब्रो, दिस नॉट सीम्स लाइक अ साइकिल ब्रांड, दिस सीम्स लाइक अ कार हैंडल, ओके, स्टेयरिंग टाइप का कुछ लग रहा है ये मुझे, सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। आई एम नॉट श्योर कि कार का, साइकिल का किस एंगल से लग रहा है, तो लोगों में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एंड रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, आई एम नॉट श्योर ये कैसा लग रहा है, डिपेंड्स कि ये यहाँ तक तो बहुत ओल्ड काइंड ऑफ फील दे रहा है मुझे। यहाँ पे आके थोड़ी सी वाइब अच्छी हुई है, बट ध्यान से देखोगे तो ब्लू के ऊपर रेड अच्छा नहीं लगता है, है ना, इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। पैटर्न इतना दिखाने की ज़रूरत है नहीं अपने को, दिस सीम्स फाइन। ये लग रहा है कुछ ट्रेंडी सा, कुछ क्लासी सा लग रहा है। यहाँ पे ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है, ये डिज़ाइंस काफ़ी सही लग रहे हैं, ट्रेंडी लग रहे हैं। ब्लू एंड रेड का डिज़ाइन का कॉम्बो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं यू नीड टू वर्क ऑन योर लोगो, तुम्हारा लोगो बहुत पुराने टाइम का लग रहा है, साइकिल वाली फील भी नहीं आ रही। डिज़ाइन वाइज इज नाइस, ये पैंडल टू प्रोग्रेस वाला कॉन्टेंट अच्छा तरीके से लिख सकते हो, ओके ओके। जैसे इस वाली पोस्ट में तुम्हारे ब्रांड की थोड़ी झलक दिख रही है, ऐसी इस वाले में भी थोड़ी झलक दिखाओ ब्रांड की, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से उसकी झलक दिखनी चाहिए, ओके फाइन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, क्विक लैब लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांड, ओके। पहली नज़र में मुझे ओला ऊबर वाली फील दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कलर्स। सो क्विक कैब लोगो इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट विजिबल, दिस शुड बी विजिबल, इसको अच्छे से विजिबल करो, ये ठीक है। अगेन लोगो 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 इतनी एक्सप्रेशन नहीं चाहिए किसी को, ओके। टाइपोग्राफी, सी देयर इज नो टाइपोग्राफी, दिस इज फॉन्ट सिलेक्शन, ओके। स्टेशनरी, ओके फाइन, मैं देख सकता हूँ तुमने इस अपने जो लोगो का क्यू है उसको एज अ पैटर्न यूज किया, दैट्स गुड। आई लाइक दिस वन, ऐप के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है ब्रो। जब क्यू कैब हो पास तब मंजिल दूर नहीं, दिस कुड बी बेटर, थोड़ा सा अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से। सीम्स लाइक कि राइमिंग की थोड़ी सी कमी लग रही है, राइमिंग थोड़ा सा ऐड कर दो बस, ओके दिस इज़ नाइस। ये ट्रेंड भी चल रहा है आजकल, टाइप ऑन अ पाथ कूल, बट ये थोड़ा सा तुमने कम कर दिया, इसको भी अच्छा टाइप ऑफ प्रेजेंट करो। टाइप ऑफ सबको वर्क करने की जरूरत है, आई डोंट नो, सो टाइपो की मैं वीडियो बनाने वाला भी हूँ, और भी वीडियो बनाऊंगा ट्रेंडी टाइपो क्या चल रहा है। सो यहाँ पे तुम टाइपो में मात खा रहे हो ब्रो, इस जगह पे प्रेजेंटेशन वाइज इज़ फाइन, बट टाइपो ही थोड़ा मुझे वीक लग रहा है, ओके सो ये भी ठीक है।
ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है ये वाला डिज़ाइन। बस दो ही डाल रखा है तुमने सोशल मीडिया की कैटेगरी, बाकी बहुत सारी कैटेगरीज है, प्लीज़ उनको भी ऐड करो। सो अगला है रोहन का एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटर। ओके, बैनर इज़ फाइन बट वाई पिंक प्रो? किसी भी एंगल से पिंक कलर तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सो अवॉइड दिस। ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर अपने आप में एक आइडेंटिटी है, तो पिंक कलर का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। यू कैन यूज़ ब्लू, पर्पल, पर्पल भी एक्सेप्टेड है, ब्लू पर्पल सियान टोन जो आजकल बहुत वाइब अच्छी दे रहे हो, तो प्लीज़ बहुत कलर यूज़ करो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी रथ यात्रा। आई थिंक तुमने दोनों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना लिए ब्रो। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर कैटेगरीज आएंगे, लाइक सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया एक प्रोजेक्ट हो गया, तो इन दोनों को एक में करो। ओके, अब एक ऑनर की नज़रिए से देखो तुमने इसमें क्या चेंज किया है। तुमने एक ही डिज़ाइन को बार बार दिखा दिया है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, इसमें नया क्या है? गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज़ चेंज इट, टाइम बचाना है हमें। जो भी हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा है, जो भी सीनियर होगा, वो एक झटके में बस ये देखेगा भाई नया क्या कर रहा है। एक ही चीज़ को बार बार दिखाने से कुछ नया तो हो नहीं जाएगा, कुछ पसंद तो आ नहीं जाएगा। अच्छा है बट खुद ही नेगेटिव इमेज बन जा देंगे कि बार 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 दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। सो यस, डिज़ाइन इज़ फाइन, वेक्टर आर्ट अगर तुमने खुद बनाई है तो बहुत अच्छी बनाई है, नो डाउट डिज़ाइन इज़ वाई, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट एक ही कैटेगरी के अंदर डालो, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। वेलोरेंट थंबनेल डिज़ाइन, ओके ओपन दिस। नो, इट सीम्स लाइक दैट यू डजंट हैव एनी वर्क टू शेयर। आप एक ही चीज़ को बार बार दिखाए जा रहे हो, सेम एक ही थंबनेल डिज़ाइन को बार बार दिखा दिया, एंड थंबनेल डिज़ाइन उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। थंबनेल डिज़ाइन के कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं, लाइक टाइपो एंड लाइक सीरीज पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है, तो थंबनेल में भी वो चीज़ पूरी फॉलो करनी चाहिए अपने को। टाइपो तो मस्ट है कि बोल्ड टाइपो होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइन कम्प्लीटली बहुत बार देखा हुआ डिज़ाइन है, एंड लाइट एंड शेडो तुमने ठीक से नहीं कर रखा है। तुमने कैरेक्टर के पीछे बस ग्लो दे दिया और ड्रॉप शेडो दोनों एक साथ दे दिया, ड्रॉप शेडो एंड ग्लो एक साथ नहीं दिया जाता है। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम बाकियों का देख रहे हो कि वो लोग थंबनेल बना रहे हैं, तुमने वैसे थंबनेल बना के दे दिया। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बना रहे हो ये थंबनेल, किसके लिए बना रहे हो। दिस इज़ परफेक्ट बट मुझे पता है बार बार वही देखने को मिलेगा। देखो कोई भी ऐसे थंबनेल नहीं लगा देता है कि आफ्टर शो वैक्टर शो रील। आपने देखो कि थंबनेल के पीछे कुछ ना कुछ लिख रखा होता है, उन्होंने अंदर का मैसेज लिख रखा होता है कि क्या होने वाला है। और अब इतने सारे डिज़ाइंस मैं किस पे क्लिक करूं, तुम खुद बताओ। कुछ भी एक ऐसा इम्पैक्टफुल लग रहा है क्या जिस पे मैं क्लिक करूं? मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस पे डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं। नाइस, ये अच्छा है, वाकई अच्छा है। मैं होता तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता, थोड़ा सा एम्फेसिस ऐड करता, हल्की सी लाइटनिंग डाल दो कहीं पे, इधर ना हल्की सी लाइटनिंग ग्लो डाल दो। मैंने एक वीडियो बनाई ग्लो वाली, उसमें ग्लो बनाना सिखा रखा है, बहुत प्यारा डिज़ाइन हो जाएगा एक ग्लो डालते ही। ब्रो पहले तो काम कम करो, सिलेक्टेड काम डालो, ठीक है? मेरा सजेशन ये है, पहले सिलेक्टेड काम डालो, थिंकिंग वाइज डालो, देन मैं आता हूँ। एंड इस डिज़ाइन में मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, देखो इसमें ना आपने ये कुछ बीच में रॉड जैसा कुछ बना रखा है। यहाँ मैं सभी डिज़ाइनर्स के लिए कहना चाहूँगा कि गाइस इस तरीके की चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें। कुछ फालतू के इन्फ्लुएंसर्स के पास टाइम तो है नहीं, वो कुछ भी बना देते हैं। एजेंसीज वगैरह में ये चीज़ नहीं चलती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो बना बनाया मिल जाता है, स्मार्ट वर्क किया जाता है, ना कि खुद से बनाने बैठ रहे हो आप, ग्रेडियंट वगैरह लगा करके पोडियम बना रहे हो, पीछे स्ट्रिप बना रहे हो। सो ब्रो मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बस इतना ही रिव्यू कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें नहीं लग रही हैं, बिखरी हुई हैं। एक में सिर्फ एक डिज़ाइन अच्छा है, नो डाउट। और जो भी पिज़्ज़ा बर्गर वाले डिज़ाइन से थोड़ा उठ के थोड़ा नया ट्राई करो, ठीक है ना? ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, गणेश कुमार। ओके, फ्लैक्स डिज़ाइन, SMPS बॉक्स डिज़ाइन, प्रीमियम पैकेजिंग डिज़ाइन, एलिगेंट लेबल डिज़ाइन, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन। देखो गाइस, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। मेरे हिसाब से आप लोग अपने डिज़ाइन दिखाना चाह रहे हैं मुझे, ना कि अपना पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो दिखाना चाह रहे हैं तो पहले पोर्टफोलियो को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए।
डिज़ाइंस देखना अलग है, पोर्टफोलियो देखना अलग है। देखो दो अलग बातें हैं। डिज़ाइन इज लाइक कि मैं एक एक डिज़ाइन के अंदर गलतियाँ निकालूँ, पोर्टफोलियो है कि प्रेजेंटेशन कैसी है। फ्लैग डिज़ाइन नॉट एट ऑल, टैटू जैसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बस टैटू लिखा हुआ दिख रहा है। तो टैटू जैसा कुछ डिज़ाइन होता सच में, टैटू की कोई प्रिंट होता तो मैं समझ पाता। कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो डिज़ाइन वाइज नॉट एक्सेप्टेड, एंड पोर्टफोलियो वाइज भी नॉट एक्सेप्टेड ब्रो। नो नो नो, यू नीड टू वर्क, यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट, दिस हैज़ बिन डन। ये ड्रॉप शेडो आउटलाइन के अंदर ग्रेडियंट, दिस इज़ बिन डन ब्रो, यू नीड टू चेंज इट। सो यहाँ पे बस यही बता रहा था कि पैकेजिंग थोड़ी सी क्लासी कर दो, ये पैटर्न ये सब इट्स बिन डन, टाइपोग्राफी वगैरह। मतलब ये सच में ऐसा है कि मैं जा चुका यार, ये चीज़ जा चुकी, प्लीज़ वर्क ऑन इट। थोड़ा सा क्लासी बनाने की कोशिश करो। अगर आपके क्लाइंट नहीं मानता है कि भाई बहुत क्लासी एक्सेप्टेड नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक कर सकते हैं हम, आउटलाइन वगैरह ठीक कर सकते हैं, फॉन्ट अच्छे ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम सैंस सेरिफ फॉन्ट ले रहे हैं, यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट ले रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता। प्रीमियम पैकेजिंग डिज़ाइन देख लेते हैं। यस, ये अच्छा लग रहा है, नो डाउट ब्रो, ये वाला अच्छा है। यहाँ पे तुमने सच में मेहनत करी है राज परफ्यूम दिखाने की, बट ये चीज़ क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसे फॉन्ट लगा के ख़राब कर रहे हो उस चीज़ को। अब जैसे प्रीमियम यहाँ पे तुम सेरिफ फॉन्ट ले रहे हो, या ले सेरिफ फॉन्ट ले रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन इसकी भी दो, सेरिफ फॉन्ट की दो इसी तरीके से। ये रैंडम मत लिख दो यहाँ पे कुछ भी। जब भी आप पैकेजिंग शो करेंगे तो पहले ये शो करना है, उसके बाद ये शो करना है। एंड फ्रंट पार्ट का है इसका, फ्रंट पार्ट की जगह बैक के ही आपने मॉकअप बना रखा है, तो बैक की जगह फ्रंट का मॉकअप लगाओ सबसे पहले। अगर ये फ्रंट है तो ये फ्रंट अच्छा नहीं है। वेयर इज द फ्रंट ब्रो? नो, सबसे पहले ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके बाद आप पैकेजिंग को खोल के दिखाएंगे। बट फ्रंट नहीं पता लग रहा मुझे इसमें। ओके, ये अच्छे हैं, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है वाकई में, नाइस नाइस, ये अच्छे हैं। ये इतना अच्छा नहीं तरीके से लिखा हुआ, बट ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है। बस इसको भी सिंपल तरीके से लिख दो, जैसे ये लिखा है ना न्यूट्रिशन किंग, ऐसे इसको भी ऐसे लिख दो। बहुत सारा है, देखो इतना सारा नहीं देखना किसी को, मैं बता चुका हूँ। तो क्या करो, सारी स्लाइड हटा दो, सिर्फ जो मॉकअप वाली स्लाइड से वो वाली स्लाइड रखो, दैट्स इट। खोल के अंदर दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारी स्लाइड बन जा रही है तुम्हारी, तो भाई मॉकअप वाली रख दो, तीन स्लाइड में ख़त्म कर दो उसको। ओके, पोस्टर डिज़ाइन देख लेते हैं, नाइस। तो पोस्टर डिज़ाइन में इतना इंट्रोडक्शन की जरूरत होती नहीं है वैसे, बट तुमने दिया है तो इट्स नाइस। देखो तुमने शेप अच्छे दिया, तुमने कलर अच्छे दिए, तुमने वाइब बहुत अच्छी दी, पर तुमने कहीं ना कहीं ये टाइपो में ओवर कर दिया। यहाँ तक ठीक लग रहा है, ये एस की आउटलाइन हटा दो, एस को येलो कलर में कर दो, बढ़िया हो जाएगा ये। ओवरऑल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, पोस्टर डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। बस ये आउटलाइन एस की हटा करके इसको पूरे एस को ही ब्लैक से हटा कर येलो में कर दो। ओके, ये देख लेते हैं लेबल डिज़ाइन, पैकेजिंग एंड लेबल्स ही ज़्यादा कर रखा है तुमने, ठीक है, मार्केट के हिसाब से ठीक है, मार्केट में चल रहा होता है। बट ये मल्टी कलर, अगर मैं इसको कर रहा होता या मैं तुम्हारा सीनियर होता तो मल्टी कलर से मना करता, बोलता तो मैं कि सिर्फ एक ही कलर में करो। लाइक शैम्पू वाला एक्सेप्टेड है, बाकी सबको ब्लैक में ही रहने देंगे, मल्टी कलर नहीं, लाइक ग्रीन पिंक ब्लैक फिर रेड फिर ब्लू, नहीं ऐसा नहीं, एक ही कलर में। ओवरऑल तुम्हारा काम अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है तुम प्रिंटिंग में कहीं काम कर रहे हो, तो क्योंकि तुम वहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अगर तुम्हें सोशल मीडिया की मेन स्ट्रीम में आना है तो सोशल मीडिया डिज़ाइन पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन डिज़ाइंस की बेसिक पे तुम्हें यस प्रिंटिंग वाला काम मिल जाएगा, बट सोशल मीडिया एजेंसीज वगैरह में तो उसके लिए तुम्हें उस तरीके का ही काम करना पड़ेगा। ओके राहुल, पहली नज़र में मुझे यहाँ पे बैनर नहीं दिख रहा है, बैनर होना चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव एटलीस्ट थ्री कैटेगरी फॉर लोगो डिज़ाइन, ब्रांड लोगो डिज़ाइन, फिट कंपनी लोगो डिज़ाइन। सो भले ही तुमने अंदर नीचे कुछ लिख रखा है मसल्स कुछ, लेकिन यहाँ पे लोगो डिज़ाइन का थंबनेल हटाओ। अब तुम बोलोगे सर इनकम्प्लीट है, या अगर ये कम्प्लीट है या इनकम्प्लीट है वो तुम देख लेना। इसको मल्टीपल लोगो डिज़ाइन दिख रहा है मुझे एक नज़र में, जो कि नहीं होना चाहिए। लोगो डिज़ाइन सारा एक ही अंदर डाल दो, लोगो फोलियो के नाम से डाल दो। डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, टी शर्ट डिज़ाइंस। ओके,
नाइस, इसमें तुमने बहुत अच्छा ग्रेडियंट मैप लगा करके बहुत अच्छे इफेक्ट क्रिएट करे हैं, गुड जॉब। ओके, अगर ये कहीं से सिर्फ उठा के पेस्ट कर दिए तो डोंट फॉरगेट दिस, तुमसे टेस्ट भी करवाया जा सकता है कि बना के दिखाओ सेम एज इट इज़। सो मेक श्योर कि तुम्हारे खुद के डिज़ाइंस हो। ओके, डिज़ाइन टी शर्ट के हिसाब से एक्सेप्टेड है राजस्थान, ठीक है, बेसिक सा डिज़ाइन है, एक्सेप्टेड है नैनीताल। बहुत इम्प्रेसिव मुझे नहीं लग रहा। इसमें तुम फोटो बेस्ड डिज़ाइनिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हो, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है फोटो बेस्ड डिज़ाइनिंग की, वो वाली टेक्निक तुम इसमें यूज़ करो। अगर तुम इस तरीके की कुछ एडवेंचरस सा कुछ दिखाना तो वो टेक्निक यूज़ करो, ठीक है। सोशल मीडिया क्रिएटिव, ओके, समर एक्सपर्ट, हाँ, एक डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन रिपीट, तीसरा डिज़ाइन जिसमें प्रोडक्ट सेंटर में रखा हुआ है, ऑल्दो डिज़ाइन इज़ नाइस, कंटेंट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। डिज़ाइन में कोशिश करना है कि आपका डिज़ाइन में एटलीस्ट 70% या 60% एरिया आपके प्रोडक्ट ने ले रखा हो, जो कि नहीं ले रखा, इसमें ले रखा है बट इसमें प्रोडक्ट अगेन सेंटर में, ये अच्छा है। ये दो दो तरीके के क्यों बना रखे हैं तुमने? देखो ओवरऑल तुमने क्या करा है, सब जगह प्रोडक्ट को सेंटर में लगा दिया है, कंटेंट लिख दिया, प्रोडक्ट सेंटर में लगा दिया, कंटेंट लिख दिया है। तो जो डिज़ाइनर्स होंगे, सीनियर डिज़ाइनर होंगे, बस ये देखेंगे इसको, बस नहीं आता कि कंटेंट प्रोडक्ट सेंटर में लगा दो एंड कंटेंट लिख दो, प्रोडक्ट सेंटर में लगा दिया, कंटेंट लिख दिया, दैट्स इट। काम करो उस पर भी, यू नीड टू वर्क ऑन इट, एड सम कैरेक्टर, टाइपो थोड़ा चेंज करके देख लो। जैसे ये वाला एक्सेप्टेड है, इसमें कुछ नया लग रहा है मुझे, प्रोडक्ट लेटा हुआ है, बट ये वाला, ये वाला, अब ये एक तरीके का हो गया है। यहाँ पे टाइपो और अच्छा कर सकते हो, बड़ा इतना बड़ा टाइपो कर सकते हो, एक तरीके का डिज़ाइन हो गया क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा अलग हो गया इसमें, बट फिर से यही वाला, फिर से सेम ये है। या पीछे बड़ा बड़ा गार्नियर मैन लिख सकते हो वाइट कलर से, प्रोडक्ट इतना बड़ा कर दो, गार्नियर मैन वाइट कलर से लिख दो, बहुत इंपैक्टफुल लगेगा, बड़ा बड़ा टाइपो। ये एक एक हो गया, दो दो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, वर्क ऑन इट। स्पोर्ट्स पोस्टर डिज़ाइन देख लेते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी करी थी तुमने, इसको हटाओ, कंटेंट, कंटेंट ने काम ख़राब कर दिया। और जो मेन कैरेक्टर है उसके पीछे हल्का सा अंधेरा कर दो ताकि वो कैरेक्टर बाहर निकल के आ जाए। ओह बहुत मेहनत करी है, ये चला जाएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक्सेप्टेड है, ये प्रॉपर एक्सेप्टेड है क्योंकि अच्छा लग रहा है। ग्रेन्स वगैरह तुमने लगाई है, ब्लेंडिंग अच्छी करी है, मर्जिंग अच्छी करी है, एंड ग्रेन्स वगैरह लगा करके ओवरऑल अच्छा लग रहा है, बट ये हटा देना, ये नहीं लग रहा। इस तरीके की टाइपो बंद हो चुकी है, प्लीज़ बंद कर दीजिए। ओके, अगेन देखो एक ही फोटो को रिपीट है, राम ऐसा नहीं करो, प्लीज़ मत करो ऐसा। चिकनकारी, नाइस, नाम लिखने का तरीका मुझे अच्छा लगा। बैनर कहाँ है? बैनर नहीं है, बैनर होना चाहिए। स्टॉप मोशन एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले। ओके नाइस, ओके, जिनको नहीं पता स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है, ये कुछ लाइक एक एक फ्रेम की क्लिपिंग की जाएगी, फ़ोटो खींची जाएगी एंड उसको फिर जोड़ा जाएगा। स्टॉप मोशन बहुत मूवी भी बनती है स्टॉप मोशन पे आजकल। नाइस, ओके, छोटे छोटे ट्राई तुमने किए हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले इसी को देख लेते हैं, चिकनकारी क्या है ये? चिकनकारी, चिकनकारी विस्पर्स ऑफ ग्रेस, ओके, ब्रांड डिटेल पूरी दे दी तुमने, प्रोजेक्ट ब्रीफ, इंस्पिरेशन बोर्ड, ओके, लेआउट वेरिएशन, फाइनल आउटपुट, इन तो छोटा छोटा क्यों कर रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी कैटलॉग पे काम किया है या किसी ब्रोशर पे काम किया, लाइक दिस काइंड ऑफ ब्रोशर, एक हाँ इनविटेशन काइंड ऑफ तुमने बनाया है, 3 पेज फोल्डर हम इसको कहते हैं आमतौर पे, फोल्डर कहा जाता है, 1 पेज, 2 पेज फोल्डर, 3 पेज फोल्डर, तो तुमने 3 पेज का फोल्डर बनाया जिसमें तुमने एक एक मुगल आर्ट टाइप ऑफ कटआउट दिया है, एंड दैट्स ग्रेट। अब देखो इससे ना वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे जिनको इस तरीके का काम चाहिए होगा। इससे एक चीज़ पता लगी एज अ इंटरव्यूअर कि भाई इस बंदे को कमर्शियल काम करना आता है, इसने किसी क्लाइंट के लिए काम कर लिया है, इतना तो कोई तुम सोच के तो बनाओगे नहीं, तो पता लग रहा है कि हाँ इतना काम तुमने किसी क्लाइंट के लिए कर लिया है। तो एक प्लस पॉइंट है, प्रिंटिंग का काम पता लग रहा है कि प्रिंटिंग का काम डेफिनेटली प्रिंट हुआ होगा, तो 2 प्लस पॉइंट हो गया कि प्रिंटिंग भी हो रखा है। अब बात यह है कि क्या जिस क्लाइंट के पास तुम जा रहे हो उसको इस तरीके के काम की ज़रूरत है कि नहीं, बात वहां पे आके अटकेगी।
उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ओके, गाइडलाइंस, ओके। व्हाट अबाउट सोशल मीडिया पोस्ट, तीनों एक जैसी क्यों दिख रही है? मतलब सिर्फ मेन लगा दिया और चीज़ें आसपास चेंज कर दी, ऐसा नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ लोगो, तुमने उसका ऐसा लोगो रिप्रेजेंट किया हुआ है या बस यही डिज़ाइन रहने वाला है हर जगह? एक ही डिज़ाइन थोड़ी लगा रहेगा टूरिज्म पे, वो डिज़ाइन बस एक मार्क की तरह हो गया, बट डिज़ाइन पैटर्न इसमें एक तरीके का कर सकते हो, वो पैटर्न हर जगह जाएगा। नहीं, कैलेंडर इज़ फाइन कि मल्टी कलर दे दिया तुमने, बट डिज़ाइन वाइज मुझे ये समझ नहीं आया सोशल मीडिया के टाइम पे हम क्या करेंगे, हर जगह हम बस एक ही डिज़ाइन थोड़ी दिखाते रहेंगे। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है, आई डोंट नो जिस क्लाइंट क्लिक किया उसको कैसा लगा ये। ये अच्छा लगा, कलर मैच कर रहे हैं अंदर तक के, ओके। काफ़ी बड़ा मूड बोर्ड बनाते हो तुम, मैं देख पा रहा हूँ, एक चीज़ की रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है। टारगेट ऑडियंस, ओके, वाई शुड बी चूज दैट, और रिसर्च तो बहुत ज़्यादा कर रखी है। बट क्या हमारा आउटकम उस रिसर्च को जस्टिफाई कर रहा है, सवाल ये है। तो जवाब ये है कि क्या ये इतना इम्पैक्टफुल है, आई एम नॉट श्योर। इट सीम्स लाइक अ कैडबरी कॉपी, कम्प्लीटली कैडबरी के डिजाइन कॉपी लग रहे हैं मुझे। रीज़न बींग पर्पल कलर पहली बात में कॉपी लग रहा है मुझे। क्या यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आर्ट है? ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट तुमने दिखाने की कोशिश करी, ये अच्छा लगा। कलर चेंज कर दो, अपने कलर यूज़ करो, क्योंकि पर्पल के साथ सेम गोल्डन तुमने यूज़ किया है इसलिए कैडबरी वाली फील आ रही है। ये कॉन्सेप्ट खुद का है तुम्हारा, ये मुझे अच्छा लगा, ये भी अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है। इसमें कुछ खास नहीं लग रहा, इसमें कुछ चेंज करो, लाइक प्रोडक्ट बीच में लगा दिया एंड आगे पीछे प्रोडक्ट उड़ा दिए, चोको चिप्स उड़ा दिए। मिला जुला सा रिव्यू कहूँगा मैं इसको, कुछ देखा दिखाया सा कुछ उसको मिक्स करके लगा, तो पता लग पा रहा है कि इतना इम्पैक्टफुल चीज़। देखो पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, मुझे पर्सनली बहुत इम्पैक्टफुल कनेक्टेड नहीं लग पा रहा है। तुमने काम किया है, बहुत अच्छा किया है, रिसर्च भी बहुत अच्छी करी है, बट आउटकम क्या उतना ट्रेंडी है? नो। लाइक देखो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउन टोन के साथ थोड़ी ग्रीनिश टोन मैच कर रखा है इन्होंने, और बाकी कंट्रीज़ में ऐसा करते हैं, वो लोग पेस्टल टोन लेते हैं, इंडिया में पेस्टल टोन नहीं ली जाती, वहाँ देखो पेस्टल टोन ले रखी है कलर्स की। हम यहाँ पे पेस्टल टोन ले सकते थे, है ना? ये क्या है, ये देख लेते हैं, ईद अब मम्मा, ओके। टाइटल एनिमेशन, ओके, ये क्या है? नाइस। लास्ट वीडियोज में समझ में आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट तुमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दिस बीन शेप्ड कैट जंप अराउंड द फाइन इट सेल्फ इन द कॉर्नर, ऑब्जर्विंग क्यूरियसली एट एलिमेंट फॉल एंड द क्रॉल बैक टू द प्लेस एंड द कैट एक्ट लाइक अ प्लेफुल एंड क्यूरियस चाइल्ड। नाइस, बीन अपनी जगह ले रहा है एंड कैट एक क्यूरियस वे में दिखाई दे रही है, तो कॉन्सेप्ट इज नाइस। बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया तुमने, इसको थोड़ा छोटा करो। ठीक है, देखो ये चीज़ें तब है कि जब तुम वहाँ पे सामने प्रेजेंट हो और अपने डिज़ाइन को या जिसके लिए तुमने बनाया मोशन ग्राफिक उसको समझा पाओ बहुत अच्छे से। तो ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ तुम एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक स्टोरी टेलिंग तुमने करी, और उस ऐसा नहीं कि मोशन ग्राफिक में कुछ भी बना दिया, तुमने बहुत सोच कर समझ के बनाया है, सो दैट्स ए गुड थिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जल्दी से आके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ें मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, बहुत सारी जॉब्स। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मेरे सवाल कर सकते हो, मैं अपने फॉलोअर्स को जवाब देने की बहुत कोशिश करता हूँ, और अगर आपको पोर्टफोलियो शेयर करना है तो पोर्टफोलियो शेयर कर ही सकते हैं, तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, टेक अ वॉक फॉर 20 मिनट डेली, ओके।
आई एम नॉट गेटिंग दिस, क्या है ये डिज़ाइंस तुम्हारे हैं या क्या है ये? और ये तो छोटे हैं तो मैं पता भी नहीं चल पा रहा, स्टोरी बोर्ड है ये? ओके, वेरिएशन ऑफ फाइनल स्टोरी बोर्ड, ठीक है तुमने स्टोरी बोर्ड रेडी कर लिया फाइनल आउटकम, तो थोड़ा सा बड़ा कर दो इन्हें। तुमने अपना पूरा आउटकम निकाल दिया, स्टोरी टेलिंग दिखा दी, स्टोरी बोर्डिंग दिखा दी, कहाँ से तुमने आइडिया लिया, थोड़ा सा फाइनल आउटपुट है उसको बड़ा करके दिखा दो। सो द गुड थिंग इज़ तुम हर बार प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो कि मेरी ये स्टोरी थी, यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से मैंने किया, ये रीज़न था। ये बहुत अच्छी बात है, हम जो बना रहे हैं उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, दैट्स द गुड थिंग। आउटकम भी उतना ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए। मुझे हर बार वही चीज़ देखने को मिल रही है, तीन बार मैंने देखा, मुझे आउटकम उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग पा रहा कि क्या मैं ये एज अ सीनियर डिज़ाइनर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जो मैं बनाने के लिए कहूँगा। लाइक कहानी तो बहुत अच्छी गढ़ी है, हमने बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करी, बहुत अच्छा हमने स्टोरी बोर्ड बनाया, मूड बोर्ड बनाया, बट क्या हम आउटपुट उतना अच्छा निकाल पा रहे हैं? तो वहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिसके पास भी आपका पोर्टफोलियो जा रहा है, आप यकीन मानिए वो इतना सुपर बिजी बंदा होता है, उसको बस इतना समझ में आना चाहिए कि इसने क्या कर रखा है और क्या ये कर पाएगा, दैट्स इट। सो यू हैव शेयर्ड अ PDF और उस PDF में भी तुमने ड्राइव में शेयर किया है। अगर PDF ही शेयर करनी है तो ब्रो डायरेक्टली भी शेयर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो जेंटलमैन मोहम्मद वाहिद, ओके, फोटोशॉप अपना बता दिया, वर्क विद नाइस। मुझे तीन सोशल मीडिया पोस्ट दिख रही हैं, तीनों अलग अलग लेआउट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली वाली के अंदर ये नेशनल गर्ल चाइल्ड फंड अच्छे हैं, यहाँ पे अलग टाइप तुमने ट्राई किया है, चलो एक्सेप्टेड है, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी। दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। फोटो बेस्ड डिज़ाइनिंग है, लेआउट तीनों में लगे इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हैं। पैकेजिंग खट्टो लिंबू, नाइस। ऑलमोस्ट दोनों का पैटर्न सेम है, मे बी शायद ब्रांड सेम है तो इसलिए पैटर्न भी सेम है, नाइस। 82 बिलोना, 82 के नीचे ड्रॉप शैडो नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सब ठीक है। 82 घी दिखाना चाह रहे हो, तो देखो करना क्या है, 82 क्रिएटिव में लिख दिया, क्रिएटिव फॉन्ट यूज़ कर लिया, अच्छा क्रिएटिव फॉन्ट है, बिलोना वाला लिया जो तुमने, ड्रॉप शैडो हटाओगे इसकी, देसी बुफेलो और घी सिंपल फॉन्ट में लिखोगे, गॉट इट, सेंसरी फॉन्ट में लिख दो, दैट्स इट। ब्लर है सो नॉट एबल टू जज इट प्रॉपरली, सॉरी मैं जज नहीं कर सकता, डिज़ाइन वाइज ठीक है बट ठीक है, स्टैंडी वाइज ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव क्या करें इसमें। सीम्स लाइक अ टैम्पलेट जो होर्डिंग पे लगा दिया, होर्डिंग की स्पेलिंग नहीं है दे रखी, जी लिखना जरूरी है, होर्डिन कह रहे हो तो बात अलग है। नो मेन्यू कार्ड, ओके ठीक है, देसी लग रहा है पूरा, अच्छी सी वाइब आ रही है, देसी रेस्टोरेंट वाली पूरी कलर वलर की फील अच्छी आ रही है, तो यस एक्सेप्टेड। इन्होंने भी मुझे ड्राइव लिंक शेयर किया है, नॉट एक्सेप्टेड, फिलहाल डिज़ाइन देख लेता हूँ मैं, ओके सो डिज़ाइन वाइज अच्छे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन अच्छे बना रखे हैं, ओके नाइस, ये भी बहुत अच्छे डिज़ाइन है, ओके एड क्रिएटिव्स, नो डाउट यू आर गुड इन डिज़ाइंस, थंबनेल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओके पोस्टर डिज़ाइन भी अच्छे हैं, नाइस। मल्टीपल लेआउटिंग है तो इसलिए अच्छी लगती हैं, एक तरीके की लेआउटिंग पे अच्छा नहीं लगेगा कभी भी, स्किल एंड सर्विसेज, ओके सो उन्होंने भी बस वही गलती करी है, डिज़ाइन उनके अच्छे हैं, डिज़ाइन मुझे कोई ज़बरदस्ती की मैं कमी निकालता फिर मुझे पसंद नहीं, बस शेयर करो क्लाइंट को दिखाने के लिए इनफ है कि मुझे किसी क्लाइंट को भेजना है, क्योंकि क्लाइंट्स बिहेंस वगैरह पे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता बिहेंस, तो किसी क्लाइंट को टारगेट करने के लिए अच्छा है, मैं किसी क्लाइंट को भेज सकता हूँ कि देखो मेरा काम है, एक झलक उसको मिल जाएगी, बट प्रोफेशनली कंपनीज वगैरह के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली उसी पे बिहेंस पे अपलोड कीजिए। स्मृति रंजन मुंबई से, इनका डिज़ाइन देख लेते हैं, डिज़ाइन बहुत सारे हैं, पहली नज़र में पता लग रहा है कि बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना रखे हैं, बैनर की मिसिंग है, बैनर बनाइए, एंड सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, नाइस। फॉन्ट सिलेक्शन अच्छे से कर रखा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, ओके धनतेरस कॉन्सेप्ट के बाद बना रखा है, नाइस। प्रो यू आर गुड, तुम्हें तो अपना पोर्टफोलियो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, तुम बहुत अच्छे बना रहे हो, लाइक कॉन्सेप्ट के साथ बना रहे हो पूरा का पूरा, और बाकी लोगों को भी देखना चाहिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनाइए। आज भी बच्चे पूछ रहे थे मेरे से सर कॉन्सेप्ट कैसे चीज़ें हो सकती हैं, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे वर्ड्स को मिक्स करके ट्राई कीजिए कुछ, नाइस। सो यहाँ पे एक
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लिख दी, एंड उस प्रॉब्लम्स को जो तीर है वो पार करता हुआ जा रहा है। अब इस विज़न को दिखाया है कितने अच्छे तरीके से, ऐसे ब्रेक करते हुए फोटोशॉप में बनाया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लुक इन टू द हेवनली होम, हेवनली होम, नाइस। आप अपना पसंदीदा घर ढूंढ रहे हैं, अपने स्वर्ग जैसा घर ढूंढ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट दिखाया है, उसके पे बनाया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ब्रो तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी, मतलब इतना देख के भी कोई तुम्हें आसानी से जॉब दे देगा सिर्फ इस कैटेगरी को देख के। सोशल मीडिया कैटेगरी का यही फ़ायदा है, आप मल्टीपल क्रिएटिविटी कर सकते हो। मुझे और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, यू आर गुड, नाइस। ये है मोशन ग्राफिक विजुलाइजेशन, कहाँ है इसके मोशन ग्राफिक्स, क्या किसी एक पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके इतना सारा, सो बेसिकली तुमने स्लाइड्स लगा रखी है, इनको मोशन ग्राफिक वीडियो ही लगा दो, स्लाइड्स मत लगाओ उस तरीके से। अगर वीडियो लगा रखी है तो मुझे मिल नहीं पा रही है। मोशन ग्राफिक विजुलाइजेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन एजेंसी वाइजेप, ये एक मोशन ग्राफिक की स्लाइड्स हैं ये, जो कि मैं पता लग पा रहा है कि मोशन ग्राफिक की स्लाइड्स हैं, कि पहले ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, देन दिस दिस दिस। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग अच्छी हो रखी है। आई वुड सजेस्ट कि वीडियो डाल दो सीधा सीधा। ब्रो इतना अच्छा काम है कि मैं कितना ही देखूंगा, मुझे पता है सारा अच्छा बना रखा तुमने। एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज यू, लिटरली मैं नहीं मानता, तुम पहले से बहुत अच्छा बना रहे हो। अब अगर तुम्हें अपने आपको अपग्रेड करना है, यस, अगर आपको अपग्रेड करना है, जॉब और सैलरी अच्छी करनी है, मोशन एंड वीडियोस, यहाँ पे मोशन एंड वीडियो की कैटेगरी ऐड कर दो। आज भी मैं अपने एक डिज़ाइनर स्टूडेंट से बात कर रहा था, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाता है, बहुत अच्छी एजेंसी में जॉब करता है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है उसके, ऑलरेडी जॉब करता है, अब उसको अपग्रेड करना है। तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई वीडियोज़ में आ जाओ, मोशन में आ जाओ, स्टार्टिंग में आपके यहाँ पर मोशन एंड वीडियोज़ की कैटेगरी हो जानी चाहिए। और अपडेट करना है, ये सभी के लिए है, लास्ट पोर्टफोलियो है। और अपडेट करना चाहते हो तो इसमें आप लोग अपना डायरेक्शन शूट, क्रिएटिव शूट डाल सकते हो, आर्ट डायरेक्शन डाल सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग आपने कर रखी तो स्क्रिप्ट राइटिंग डाल सकते हो। मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लेवल से अप वाला जितना काम होगा वो काम आप इसमें ऐड कीजिए। ओके सो ये चीज़ सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। आप पोर्टफोलियो रिव्यूज़ काफ़ी सारे हो गए हैं, जितना भी आपने काम किया बहुत अच्छा है। अगर आपको लेवल अप करना है तो अपने काम में मोशन एंड वीडियोज़ कंपलसरी ऐड कर दीजिए, चाहे यूट्यूब से सीखे, चाहे कहीं से भी सीखे, सीख लीजिए, उसी से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। वो भी कर चुके हो अगर आप मोशन वीडियो कर चुके हो और हाई पे जाना चाहते हो, तो फिर जो मोशन और वीडियो का लेवल अप है, यानी कि कमर्शियल काम कुछ ऐड कीजिए, कुछ सच में प्रोफेशनल काम ऐड कीजिए। खुद की स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए कि ये पूरी मोशन की कहानी मैंने खुद सोची है, मैंने खुद शूट करी है, मैंने खुद इसको एडिट करा है, तो इसी से आपका लेवल अप होगा। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, फिर आता है सीनियर आर्ट डायरेक्टर, जो पूरे कैंपेन डिज़ाइन कर रहा है, पूरा सब कुछ डिज़ाइन कर रहा है कि क्या होगा, ब्रांड कैसा बनेगा, कैसी उसकी वीडियो होंगी, सब आप डिज़ाइन करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड लेवल अप। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसका मतलब आप मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और भी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। अभी आगे जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइपो पे एक वीडियो डालूंगा जल्दी से जल्दी, और बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट मैंने सोच कर रख रखा है। तो अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो नहीं कर रखा तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, मतलब इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं लाइव, तो यू कैन ज्वाइन माई अकेडमी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।